हेलो कावेरी, देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से कावेरी ने अपना सूंड उठाया। तो दोस्तों आज दूसरा दिन है और हम पहुंचे हैं कावेरी को दवा खिलाने के लिए हिंसाड़ी के जंगल में। अभी कावेरी एक पेड़ के नीचे में छांव में आराम कर रही है और हम पहुंच गए, देख सकते हैं। आवाज़ लगाते ही कावेरी अपना सूंड उठा के हमें प्रतिक्रिया देना शुरू कर देती है। अभी इसके स्वास्थ्य में भी बदलाव हुई है और ये स्वस्थ हो रही है, ये देख सकते हैं। आपको करीब से हम दिखाने का कोशिश करते हैं। आइए देखिए, ये देखिए, हेलो, देखें किस तरह से सूंड उठा रही है, ये देख सकते हैं। हमने दोस्तों एक बात तो यहाँ से सीखी है कि अगर हम जंगली जानवरों के साथ में भी अच्छा व्यवहार करें तो वो हमसे भी अच्छा व्यवहार करती हैं। और अब हम तरबूज को फाड़ चुके हैं और दवा खिलाने के लिए जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, बिल्कुल नज़दीक से जाके हम कावेरी को अभी दवा खिलाने वाले हैं और ये देख सकते हैं। अगर आप कावेरी के जीवन के बारे में नहीं जानते हैं, इसके जीवन कहानी नहीं जानते हैं, तो हमारे इस वीडियो पे बने रहिएगा दोस्तों। हम आप लोग को आगे बताएंगे कि इस कावेरी का जीवन कथा क्या है। कभी जानलेवा हाथियों की गिनती में आने वाली यह कावेरी हाथी आज अपने जीवन के अंतिम दिन इस तरह गुजार रही है। कभी 50 हाथियों के झुंड की अगुवाई करने वाली एक हाथी आज अकेले जंगल में विचरण कर रही है। आखिर क्या हुआ इसके साथ जो इसके पूरे झुंड ने इसे इस तरह से अकेले छोड़ दिया, जानने के लिए हमारे वीडियो पे बने रहें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों पहले हम इसे दवा खिला लेते हैं और ये देख सकते हैं, बस कुछ ही मीटर का फर्क होगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 6 फीट की दूरी पे हम लोग हैं। इत्मीनान से तरबूज का मजा ले रही है हमारी कावेरी हाथी। दोस्तों आइए जानते हैं इसकी जीवन कहानी। इस कावेरी हाथी का जो जीवन है वो भी बहुत ही उलझा हुआ रहा है। जो अनुभवी लोग हैं, विभाग के अधिकारी हैं, वो बताते हैं कि यह अपने समय में बहुत ही खतरनाक हथनी हुआ करती थी और यह काफ़ी लोगों की जान भी ले चुकी है। और अभी के समय में जो हाथियों का बड़ा झुंड हमारे पांच परगना क्षेत्र में विचरण कर रहा है, उसकी भी मुखिया ये मादा हाथी और ये कावेरी हाथी हुआ करती थी। इसी के झुंड का गुज्जर हाथी अभी काफी चर्चा का विषय बना हुआ है हमारे क्षेत्र में। अभी वर्तमान में दोस्तों इसका झुंड इसे छोड़ के आगे बढ़ चुका है और इसका कारण तो हमें अभी तक पता नहीं चल पाया है, क्योंकि हाथियों को देखा गया है वो अपने साथियों को कभी पीछे नहीं छोड़ते हैं। पर बूढ़ी हाथी को अब इसका झुंड छोड़ चुका है। देखिए दोस्तों किस तरह से मज़े से कावेरी तरबूज का मजा ले रही है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद, जोहार, जय झारखंड।